नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट्स के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और यहाँ पे आज सुबह की जो गिरावट थी निफ्टी ने पूरे दिन भर में वो भर दी थी और फाइनली जाके 2 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। तो इस क्लोजिंग पे लेके आया हूँ आपके लिए सारे अपडेट। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट। तो हर रोज की तरह जो पहला अपडेट ले लेते हैं वो ले लेते हैं यहाँ पे मार्केट की तरफ से, जहाँ पे ग्लोबल क्यूज भी थोड़े से नेगेटिव थे बट हमारे इंटरनल क्यूज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो जो कल की सेलिंग थी वो सुबह सुबह कंटिन्यू रही और एक बार निफ्टी करीब 85 पॉइंट नीचे गिर के कामकाज भी करने लगा था, बट फाइनली यहाँ पे जो गैप था बजट से पहले का, जो बेसिकली इलेक्शन के टाइम का जो गैप था, उसको आज फुलफिल किया और पूरा फिल करके करीब जो निफ्टी ने लो बनाया था वो 11,460 का लो बना के वहां से काफी शानदार रिकवरी देखी गई और फाइनली यहाँ पे निफ्टी जो क्लोज हुआ वो सिर्फ 2 पॉइंट गिर के यहाँ पे बंद हुआ है। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स भी करीब 10 पॉइंट चढ़ के यहाँ पे बंद हुआ है। अगर टॉप 3 गेनर और लूजर की बात करें तो गेनर में रहा बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। वहीं अगर लूजर की बात करूँ तो लूजर में टाइटन सबसे ज्यादा गिरा, उसके बाद यूपीएल, उसके बाद गेल इंडिया। अगला अपडेट ले लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे डेल्टा कॉप की तरफ से, जहाँ पे करीब 3% की गिरावट के साथ कामकाज हुआ था और नंबर का दिन था, नंबर ज्यादा बेहतर नहीं आए यहाँ पे। और एनके ग्लोबल ने यहाँ पे बाय रेटिंग दी है और करीब 116% तक के ऊपर के टारगेट देख रहा है। तो स्टॉक में कोई ज्यादा एक्शन नहीं था, 1% नीचे ही जाके बंद हुआ है। अगला अपडेट ले लेते हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में करीब 4% उछाल के साथ कामकाज हो रहा था। यहाँ जो खबर आ रही है वो आ रही है कि इनको एक अपनी दवाई का अप्रूवल मिल गया है USFDA से। तो इसी न्यूज के चलते यहाँ पे स्टॉक में करीब 4% का उछाल देखा गया था आज के दिन में। अगला अपडेट ले लेते हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस की तरफ से, कि कल करीब 10% गिरा था और आज करीब 5.5% के उछाल के साथ यहाँ पे कामकाज हो रहा था। क्योंकि यहाँ पे जो खबर आई है वो आई है कि यहाँ पे हाईएस्ट लोन ग्रोथ यहाँ पे दिखाई गई है कंपनी द्वारा, करीब 11 क्वार्टर में सबसे ज्यादा लोन ग्रोथ रही है। तो पॉजिटिव न्यूज थी इसलिए ये बाउंस बैक देखने को मिला आज के दिन में। अगला अपडेट ले लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे हीरो मोटर की तरफ से, जहाँ पे 2% उछाल के साथ कामकाज हो रहा था। यहाँ जो खबर आ रही है वो आ रही है कि यहाँ पे रीवैम्प ऑफ लीडरशिप टीम ने कर लिया है, तो ये काफी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। तो देखते हैं, आगे नजर रखिएगा हीरो मोटर के स्टॉक पे। अगला अपडेट ले लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे ल्यूपिन की तरफ से, जहाँ पे 2% उछाल के साथ कामकाज हुआ था। इनको भी एक USFDA से अपनी एक दवाई के लिए यहाँ पे कैंसर के ड्रग का अप्रूवल मिल गया है, तो पॉजिटिव है स्टॉक के लिए, नजर रखिएगा, हो सकता है थोड़ा सा और अपसाइड बन जाए। अगला अपडेट ले लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे मैगमनी ऑर्गेनिक्स की तरफ से, जहाँ पे 3% उछाल के साथ कामकाज हो रहा था। क्योंकि यहाँ पे जो खबर आ रही है वो आ रही है कि इनकी सब्सिडी ने स्टार्ट कर दिया है प्रोडक्शन यहाँ पे क्लोरोमीथेन का, तो नजर रखिएगा आगे आने वाले दिनों में, हो सकता है थोड़ा सा और अपसाइड बन जाए। अगला अपडेट ले लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे एबीबी की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में करीब 5% उछाल के साथ काम कर जो आता है। यहाँ जो खबर आ रही है वो थोड़ी सी पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी सेल करने जा रही है अपना इन्वर्टर बिजनेस, तो थोड़ा सा जो पैसा मिलेगा वो काफी कंपनी के अंदर आएगा और जिससे कि आगे अपने जो प्राइमरी बिजनेस है उसमें फोकस करते हुए दिखाई देगी कंपनी। अगला अपडेट ले लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे सूर्य रोशनी की तरफ से, जहाँ पे इनको LED लाइट्स का ऑर्डर मिल गया है और इसी ऑर्डर के चलते यहाँ पे स्टॉक में करीब 2% उछाल के साथ कामकाज हो रहा था। अगला अपडेट ले लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे DHFL की तरफ से, जहाँ पे करीब 9% की गिरावट के साथ कामकाज हो रहा था। यहाँ जो खबर आ रही है वो आ रही है कि यहाँ पे सेंडिंग ऑफ रिजोल्यूशन प्रपोजल टू द लेंडर सून, बहुत ही जल्द होने वाला है ये, यानी बहुत ही जल्द ये रिजोल्यूशन अपना प्रपोज करने जा रहे हैं अपने लेंडर्स को जिन्होंने यहाँ पे लोन दे रखा है DHFL को। तो देखते हैं अब यहाँ पे इस रिजोल्यूशन के बाद क्या अपडेट मिलता है और क्या स्टॉक में ऊपर की अपसाइड बनेगी या नहीं बनेगी। तो फिलहाल दोस्तों आज के अपडेट इतने ही थे, आई होप ये अपडेट आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेकर आता रहूंगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।